हेलो डिफेंस लवर, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग जो करतार एमआर का प्रैक्टिस से स्टार्ट किए थे उसका पार्ट आज 4 है। और एक प्रैक्टिस से स्टार्ट करने से पहले एक बात करना चाहता हूँ, आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जो भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि काफ़ी बच्चों को हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पिन का शब्द विस्तार क्या है? इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका? PIN का शब्द विस्तार क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 नंबर सही हो जाएगा, पोस्टर इंडेक्स नंबर। PIN का शब्द विस्तार क्या है? पोस्टर इंडेक्स नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। स्पेक्ट्रम स्पेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, स्पेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? स्पेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 4 नंबर सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। बिल क्लिंटन किस देश के राष्ट्रपति थे? बिल क्लिंटन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो 3 का 4 नंबर हो जाएगा, वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। किस देश के राष्ट्रपति थे? वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंध है? ड्यूस खेल किस खेल से संबंध है? क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड नंबर सही हो जाएगा, टेनिस से। जो ड्यूस शब्द है ना, किस खेल से संबंध है? टेनिस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? क्या है आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा? क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट तेलुगु है। क्या है? तेलुगु है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नौसेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? अब नौसेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? आप लोगों को पता होगा नौसेना के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उसे एडमिरल कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? एडमिरल कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, देश का पहला आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देश का पहला आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था? किस वर्ष संपन्न हुआ था? वो हुआ था 1951 में, 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था, 1951 में। देश का पहला आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ? 1951 में, 1951 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कर्क रेखा कितने डिग्री पर स्थित है? कर्क रेखा कितने डिग्री पर स्थित है? 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, ठीक है। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर स्थित है। कर्क रेखा कितने डिग्री पर स्थित है? 23.5 डिग्री पर स्थित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यूरेनियम की परमाणु संख्या क्या होती है? यूरेनियम की परमाणु संख्या क्या होती है? यूरेनियम की परमाणु संख्या क्या होती है? क्या होती है? 92, 92। यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 होती है। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो एमआर के एग्जाम है उसमें परमाणु संख्या भी पूछ लिया जाता है। जो रासायनिक तत्व होते हैं उसके परमाणु संख्या भी पूछ लिया जाता है, इसलिए परमाणु संख्या भी, जो पीरियोडिक टेबल भी होता है ना, उसको भी याद करना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का जनसंख्या घनत्व कितना था? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का जनसंख्या घनत्व कितना था? कितना था? 382 था। कितना था? 382, ठीक है। एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके कुछ खुद से कुछ ट्राई कीजिएगा कि आंसर दे, ठीक है। इससे होता है कि मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसलिए खुद से कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सही उत्तर दे, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिया, तब 11 देखते हैं। बिबल्डन किस खेल से संबंध है? बिबिल्डन बिबिंडल किस खेल से संबंध है? किस खेल से संबंध है? टेनिस से, ठीक है। टेनिस से संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? आप लोगों को पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1939 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1939 में। और एक क्वेश्चन आता है प्रथम विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध
1939 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रपति राष्ट्रीय पशु क्या है? यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु क्या है? क्या है यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु? शेर है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु कौन है? शेर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 16 किस देश के संसद का नाम है? 16 किस देश के संसद का नाम है? किस देश के संसद के नाम है? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का, ठीक है, अफगानिस्तान का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मझगांव डॉक किस शहर में स्थित है? मझगांव डॉक किस शहर में स्थित है? 15 का मझगांव डॉक किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? मुंबई में। ठीक है, किस शहर में स्थित है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, राइडर कफ किस खेल से संबंध है? जो राइडर कफ होते हैं वो किस खेल से संबंध है? किस खेल से संबंध है? पोलो से। किस खेल से? पोलो से। राइडर कफ किस खेल से संबंध है? पोलो से। ठीक है, पोलो से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, एलएनजी का शब्द विस्तार क्या क्या होता है? एलएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोगों को पता ही होगा, एलएनजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है। क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। आई होप आप लोगों को पता ही होगा एलएनजी का शब्द विस्तार क्या होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, क्या होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द्वितीय वित्तीय कोई वित्तीय वर्ष किस तारीख को प्रारंभ होता है? कोई वित्तीय वर्ष किस तारीख को प्रारंभ होता है? किस तारीख को प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल को। क्या, कब होता है? 1 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड नंबर सही से हो जाएगा, 1 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पोप का निवास स्थान किस देश में है? पोप का निवास स्थान किस देश में है? आई होप आप लोगों को पता होगा, ये वेटिकन सिटी में है। कहाँ पे है? वेटिकन सिटी में। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ नेवी एमआरमी में नहीं, SSC के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पोप का निवास स्थान किस देश में है? वेटिकन सिटी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? जो भारत है, जो अपना देश इंडिया है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? किस वर्ष बना? 1945 में बना। किस वर्ष? 1945 में बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? आप लोगों को पता होगा कहाँ है, बेंगलोर में। कहाँ पे है? बेंगलोर में। ठीक है, भारत जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। ठीक है, कहाँ है? बेंगलोर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? मजलिस किस देश की संसद का नाम है? किस देश की संसद का नाम है? ईरान की। किस देश का? ईरान की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, प्रकाशीय तीव्रता की इकाई क्या होती है? जो प्रकाशीय तीव्रता होती है, जो प्रकाशीय तीव्रता की इकाई क्या होती है? क्या होती है? कैंडेला। कैंडेला होती है। क्या होती है? कैंडेला होती है। ठीक है, प्रकाशीय तीव्रता की इकाई क्या होती है? कैंडेला। के नेवी एमआर के एग्जाम में पूछा जाता है यूनिट ऑफ डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन। डायमेंशन से कम लेकिन यूनिट से पक्का क्वेश्चन आ जाता है एक दो। ठीक है, इसलिए यूनिट पक्का याद कर लीजिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जगजीवन राम की समाधि स्थल का क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जगजीवन राम की समाधि स्थल का क्या नाम है? क्या नाम है? समता स्थल। समता स्थल, ठीक है, क्या नाम है? समता स्थल। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, च्युइंगम किस पेड़ की गोद से बनता है? क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, च्युइंगम किस पेड़ की गोद से बनता है? किस पेड़ की गोद से बनता है च्युइंगम? किस पेड़ की गोद से बनता है? चीकू की गोद से। पेड़ का नाम क्या है? चीकू। बहुत इंटरेस्टिंग नेम है चीकू। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और जाते जाते लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।